हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे आपकी एक्सरसाइज 4.3। 4.3 में आपको क्या गिवन है बेटा? दो साइड्स आपको गिवन होंगी और थ्री एंगल्स आपको गिवन होंगे, ठीक है। उनकी हेल्प से आपने क्या बनाना है? क्वाड्रिलेटरल। जब भी आप बेटा कोई क्वाड्रिलेटरल बनाओगे, आपने सबसे पहले काम क्या करना है, रफ स्केच रेडी करके देख लो। क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है? फिगर विच हैव फोर साइड्स। मैं आपको पिछले चैप्टर में बता चुकी हूँ क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है। ए फिगर विच हैव फोर साइड्स, यानी कि आपके पास एक फोर साइडेड फिगर है, जैसे मान लो यही वाली है, ठीक है। फोर साइड्स हो गए, दिस इज एम, दिस इज ओ, दिस इज आर, दिस इज ई, ठीक है बेटा। आपने लगातार नाम डालने, कहीं से भी शुरू करो। यहाँ से शुरू करोगे तो ऐसे नाम डालो या ऐसे नाम डालो, आपने रेंडमली नाम नहीं देने। कभी एम यहाँ रखो, ओ यहाँ रखो, आर यहाँ, ई यहाँ, आपने इकट्ठे लगातार नाम देने, एम ओ आर ई, ठीक है। तो अब देखो बेटा उसने क्या बोला, आपको क्या क्या गिवन है। एम ओ कितना दिया हुआ है? 6 सेंटीमीटर, ये आपको गिवन है। ओ आर आपको दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर। फिर आपको दिया हुआ है एंगल एम, एंगल एम कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री, ठीक है। एंगल ओ कितना दिया हुआ है? 105 डिग्री, ठीक है। फिर एंगल आर कितना दिया हुआ है? 105 डिग्री, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब आपने जैसे जैसे इसमें देखा, जो जो आपको दिया हुआ है उसकी उसकी कंडीशन के बेस पे आप बनाना शुरू कर दो। सबसे पहले क्या दिया हुआ है बेटा? एम ओ, ठीक है। क्या दिया हुआ है? एम ओ। दोनों साइड्स में से जो बड़ी साइड है उसको चूज़ कर लो। अगर आपको ऐसे पता नहीं चल रहा तो आप क्या करो, दोनों साइड में से जो बड़ी साइड है उसको चूज़ कर लो। एम ओ इज 6 सेंटीमीटर और ओ आर इज 4.5 सेंटीमीटर, दोनों में बड़ी कौन सी है बेटा? एम ओ, विच इज़ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो आपने क्या लगाना है? 6 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट ड्रॉ करो। तो ये देखो बेटा, ये आपका हो गया एम ओ 6 सेंटीमीटर, दिस इज एम, दिस इज ओ, एंड इट इज़ गिवन टू बी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो एम पे उसने कितने का एंगल बोला है बेटा? एंगल एम कितने का बना है? 60 डिग्री का। 60 डिग्री का एंगल आप विद द हेल्प ऑफ कंपस ईजिली बना सकते हो, तो हेल्प ऑफ कंपस, कंपस का यूज़ करके आप 60 डिग्री का एंगल कैसे बनाते हो बेटा? अपनी मर्जी से कंपस ओपन करो जितना कर सकते हो, एम पॉइंट पे रखो, क्योंकि एम पे बोला है उसने, वहाँ से आर्क लगा दो। लाइन पे लगनी चाहिए बेटा आर्क, लाइन से बाहर नहीं, ठीक है। फिर देखो एम ओ लाइन को जिस पॉइंट पे ये आर्क कट कर रही है उस पॉइंट पे रख के पहले 60 डिग्री की आर्क लगा दो। कंपास को सिर्फ एक बार ओपन करना है, बार बार चेंज नहीं करोगे, ठीक है। तो जो ये वाली लाइन है ये कितने की बन गई आपकी बेटा? 60 डिग्री। तो ये आपके पास एंगल बन गया 60 डिग्री, ठीक है, ये बन गया 60 डिग्री। दूसरा उसने क्या दिया हुआ बेटा? ओ एंगल 105, ठीक है। पहले आप 105 का एंगल देख लो कैसे बनाओगे, अलग से मैं आपको बना के दिखा रही हूँ। देखो आपको कोई भी लाइन सेगमेंट गिवन हो, मान लो ये आपका लाइन सेगमेंट है और आपने इस पे 105 बनाना है, तो कैसे बनाओगे? अपनी मर्जी से कंपास ओपन करो, ठीक है। कंपास ओपन करके आर्क लगाओ, वही जो आप आर्क लगाते हो, पहली आर्क किसकी लगेगी बेटा? 60। दूसरी किसकी लगेगी? 120। और इसी से हम 90 की आर्क लगाते हैं। 90 की आर्क कहाँ से लगती है बेटा? वन फ्रॉम 60, अनदर फ्रॉम 120, ठीक है। ये आपका क्या बन जाता है? 90 डिग्री। अब देखो बेटा, अगर मैं बात करूँ 105, जो भी आपको एंगल दे रखा है उन एंगल का क्या कर लो? डबल। 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, आपका क्या बन गया? 210, ठीक है। अब जो जो एंगल आप इजीली बना सकते हो वो वाले एंगल काउंट करो। 30 बना सकते हो, 90 बना सकते हो, 60 बना सकते हो, 120 बना सकते हो, 180 बना सकते हो। इनमें प्लस करके देखो किन दो एंगल के प्लस करने से 210 बनता है। 90 प्लस 120 क्या बन जाएगा? 210। तो इसके लिए आपको कौन कौन सा एंगल बनाना पड़ेगा? 90 डिग्री और 120, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या बनाया? 90 डिग्री। मैंने आपको बताया कंपास को बार बार चेंज नहीं करोगे, ठीक है, कंपास को बार बार चेंज नहीं करोगे। तो ये बन गया बेटा आपका 90 डिग्री, और यहाँ से लगेगी 90 वाली आर्क विद सेम कंपास, कंपास को बार बार छेड़ोगे नहीं, ठीक है। तो देखो बेटा, वन आर्क फ्रॉम देयर एंड वन आर्क फ्रॉम 120,
ठीक है, 90 से लग गई वन आर्क, अनदर आर्क फ्रॉम 120 ये लग गई, ठीक है। तो ये क्या बन गया बेटा आपका 105। जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट हो रही है उनको क्या कर दो, ज्वाइन, ये आपका क्या बन जाएगा 105, ठीक है। सेम प्रोसीजर आपने फॉलो करके यहाँ बनाना है। देखो बेटा कैसे बनाओगे, सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, 90 डिग्री, सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, 90 डिग्री, ठीक है। तो अपनी मर्जी से मैंने कंपास ओपन किया, ओ पॉइंट पे रखा, ओ को सेंटर मान के क्या लगा दी, आर्क, ठीक है। विद सेम कंपास वन आर्क ऑफ 60 डिग्री एंड फ्रॉम 60 डिग्री अनदर आर्क ऑफ 120 डिग्री एंड फ्रॉम 60 डिग्री वन आर्क इज ऑफ 90 एंड फ्रॉम 120 अनदर आर्क इज फ्रॉम, ठीक है। इनको क्या कर दो बेटा, ज्वाइन, क्योंकि मेरे को ये वाली लाइन, ये वाला एंगल नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए इसके थ्रू 105। तो आप क्या करोगे बेटा, इसको डॉटेड बना देना, ठीक है, इसको क्या बना देना, बन गया, ठीक है। आप देखो बेटा विद सेम कंपास वन आर्क इज फ्रॉम 90 डिग्री एंड अनदर इज फ्रॉम 120 डिग्री, अनदर इज़ फ्रॉम 120 डिग्री। तो जो ये वाला एंगल होगा ये क्या बन जाएगा बेटा, 105। दिस एंगल इज नोन एज 105। अब उसने बोला बेटा नेक्स्ट ओ से आर के लिए, ओ पॉइंट से आर पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 4.5 सेंटीमीटर। ओ पॉइंट से आर पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो आपने क्या करना है, 4.5 सेंटीमीटर कंपास ओपन करो। देखो बेटा दिस इज 4.5, तो यहाँ से ये ओपन हो गया आपका 4.5। ओ पॉइंट को सेंटर मान के आर्क की लगा, इस वाली 105 वाले लाइन पे लगा दो आर्क, ये क्या हो जाएगा आपका 100, ये आपका पॉइंट हो जाएगा आर, क्या हो जाएगा ये पॉइंट आर, ठीक है। फिर उसने बोला आर पे कितने का एंगल है बेटा, 105, आर पे कितने का एंगल है, 105। तो आर पे अगेन आपने क्या बनाना है, एंगल 105। तो देखो बेटा कैसे बनेगा, अभी अभी आपने क्या किया था, आर पे 105, ओ पे 105 बनाया था, अब सेम वे से आप प्रोसीड करोगे, कौन से के लिए, आर पॉइंट पे। नोटबुक घुमाओ, ठीक है, अपनी मर्जी से कंपास ओपन करो, अपनी मर्जी से कंपास ओपन किया, आर पॉइंट को सेंटर माना, आर्क लग गई, ठीक है। इस पे पहली आर्क 60, फिर ये 90 के लिए, ये 120 के लिए, ठीक है। अनदर आर्क इज़ फ्रॉम 120, ये बन गया आपका 90 डिग्री। ये देखो बेटा आर्क को सेंटर मान के ज्वाइन किया, ठीक है, लेकिन ये हमने डॉटेड लाइन बनानी है, रीज़न आपको पता है, 90 डिग्री नहीं बनाना, मेरे को क्या बनाना है, 105, ठीक है। अब इसको सेंटर माना 90 वाले को और दूसरी आर्क लगा दी, इन सेम वे 120 वाले को सेंटर माना और ये वाली आर्क लग गई। जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं बेटा उस वाले को क्या कर दिया, ज्वाइन, यहाँ से ऐसे, ठीक है, ठीक है। अब M वाली लाइन को, जो R वाली लाइन है जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, जिस पॉइंट पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट, ठीक है, उसको क्या नाम दे दो बेटा, E, उसको क्या नाम दे दो, E। तो ये आपका क्या बन जाएगा, क्वाड्रिलेटरल MORE। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन, एक एक स्टेप आप लोगों को समझ आया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है क्वाड्रिलेटरल, यू हैव टू मेक अ क्वाड्रिलेटरल PLAN। कौन सा क्वाड्रिलेटरल बनाना बेटा, PLAN। सबसे पहले आप क्या करोगे, एक रफ स्केच ड्रॉ करोगे, ठीक है। रफ स्केच क्या बेटा, क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या है, जिसकी चार साइड्स हो, बन गई चार साइड्स, आपकी मर्जी है कहीं से भी नाम देना शुरू करो, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, मान लो यहाँ से शुरू कर दिया PL
ए एन, ठीक है। क्या क्या दिया हुआ है, पी एल इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ये आपको कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, एल ए, एल से ए ये कितना दिया हुआ है 6.5 सेंटीमीटर, एंगल पी, एंगल पी आपको कितना दिया हुआ है 90 डिग्री, एंगल ए, एंगल ए कितना दिया हुआ है 110 डिग्री, एंगल एन, एंगल एन आपको कितना दिया हुआ है 85 डिग्री, ठीक है। अब बेटा अगर आप ध्यान से देखो दोनों में कंपैरिजन, मैं आपको बताती हूँ, ध्यान से देखना एक बार। यहाँ पे आपको एम ओ साइड गिवन थी, तो एम एंगल भी गिवन था, ओ एंगल भी गिवन था। यहाँ पे आपको जो साइड गिवन है, देखो पी एल गिवन है, क्या एंगल एल नहीं गिवन, पी गिवन है, ए एल साइड गिवन है, ए गिवन नहीं है, एल गिवन नहीं है, ठीक है। तो ऐसे टाइम पे आप क्या करोगे, आप क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी फॉलो करोगे एक एंगल फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि हम बेटा जो साइड गिवन होती है ना उस साइड के दोनों एंगल बना के चलते हैं, ठीक है। मान लो आपने 4 लिया तो दोनों एंगल आपको पता होने चाहिए, आपने ये बनाया तो दोनों एंगल आपको पता होना चाहिए, 110 है तो मेरे को ये पता होना चाहिए ये वाला एंगल कितने का है, ठीक है। ये आप कैसे पता करोगे, देखो बेटा अगर मैं बात करूं इन अ क्वाड्रिलेटरल, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है बेटा, एंगल सम प्रॉपर्टी आपकी कहती है कि चारों एंगल का सम पी एल ए और एन कितना होता है बेटा 360 डिग्री, कितना होता है 360 डिग्री। एंगल पी आपको कितना गिवन है 90 डिग्री, एल आपके पास है नहीं, एल को आपने निकालना है, ए आपको कितना दिया हुआ है 110, एन आपको कितना दे रखा है 85 और इज इक्वल टू 360, ठीक है। 90 प्लस 110 200, 200 प्लस 85 285 प्लस एंगल एल इज इक्वल टू 360, तो बेटा ये पॉजिटिव है वहाँ जाके नेगेटिव, तो एंगल एल इज इक्वल टू 360 माइनस 285, 360 में से 285 गया बेटा कितना बन जाएगा, यहाँ से 10 में से 5 गया 5, 15 में से 8 गया बेटा 7, 75 डिग्री। अब आपको एंगल पता है, कौन कौन सा एंगल पता है, ये 70, ये आपकी 90, अब आपकी चॉइस है आप ये वाली साइड लो ये वाली साइड लो, ठीक है। तो हम ड्रॉ करते हैं, मैंने आपको पिछले में भी बताया था, कोशिश करना जो सबसे बड़ी साइड हो उसको आप लो, ठीक है। तो बेटा जो सबसे पहले दोनों में जो सबसे बड़ी साइड है उसको बनाओ, सबसे बड़ी साइड क्या है 6.5 सेंटीमीटर, तो पहले सबसे पहले यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 6.5, तो ये बन गया आपका 6.5, ठीक है। इसका नाम क्या है बेटा एल ए, ठीक है, ये क्या है 6.5 सेंटीमीटर। ए एंगल आपको कितने का दिया हुआ है 110, बेटा 110 आप कभी भी किसकी हेल्प से नहीं बनाओगे, विद द हेल्प ऑफ कंपस, तो आप किसका यूज़ करोगे डी का, डी का यूज़ देखो बेटा कैसे करोगे, ए पॉइंट को सेंटर माना, ठीक है, 90 डिग्री से जो छोटे एंगल हैं वो आपकी लाइन के पास आएंगे और जो 90 से बड़े वाले एंगल हैं वो लाइन से दूर जाएंगे, ए पॉइंट से दूर जाएंगे, तो ये बन गया आपका 110, ठीक है। तो बेटा इसको क्या कर दो ज्वाइन, तो ये आ गया आपका 110, ठीक है। अब आपने क्या बनाना है L पॉइंट पे 75, देखो बेटा 75 कैसे बनता है, पहले आप 7th में सीख भी चुके हो, सबसे पहला काम आपने क्या करना है 90 डिग्री का एंगल बनाना अपनी मर्जी से, कंपस ओपन करके L को सेंटर मान के, ठीक है। ये देखो बेटा 1 आर्क इज ऑफ 60, 1 आर्क इज ऑफ 120, ये आपकी 90 के लिए आर्क लग गई, यहाँ से ऐसे 90 आपको चाहिए नहीं है, सिर्फ आपकी उसको उसकी हेल्प से आपने क्या बनाना है 75, तो इसको क्या बना लेना डॉटेड, ठीक है। अब देखो विद सेम कंपस, कंपस को बार बार छेड़ना नहीं है, तो पहली आर्क इज ऑफ फ्रॉम 90, सेकंड इज फ्रॉम 60, तो ये वाला एंगल आपका बन गया बेटा 75, ठीक है। इसको एल से क्या कर दो कनेक्ट, तो ये बन गया बेटा आपका 75, ठीक है। अब उसने बोला L से P के लिए जो डिस्टेंस है वो कितनी है बेटा 4 सेंटीमीटर, L से P के लिए कितनी डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर, तो
तो आपने क्या करना है, 4 सेंटीमीटर कंपास ओपन करके आर्क लगानी है। 4 सेंटीमीटर कंपास ओपन करके आर्क लगा दी एल से पी के लिए, तो ये वाला पॉइंट आपका क्या हो गया बेटा, पी। ठीक है, अब आप सारा ये तामझाम कर चुके हो, ठीक है, तो इसको बेशक से रफ कर दो, आपको आपकी फिगर जो है वो क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो देखो बेटा, अब एल से मेरे को, पी से मेरे को कितने का एंगल बनाना है, 90 डिग्री। ठीक है, तो मैंने नोटबुक को रोटेट कर लिया ताकि ईजिली हो जाए। ठीक है, अपनी मर्जी से कंपास ओपन किया, लाइन से अंदर की साइड, बेटा लाइन कौन सी है मेरी, पी एल, तो यहाँ से मैंने क्या लगाई, आर्क, यहाँ से मैंने क्या लगाई, आर्क। ठीक है, और इस वाली आर्क से ये पहली आर्क 60, ये दूसरी आर्क 120, ये बन गई पहली, ये बन गई दूसरी। ठीक है, इससे इसको क्या कर दिया बेटा, जॉइन, इससे इसको क्या कर दिया, जॉइन। देखो इससे इसको क्या कर दिया, जॉइन। ठीक है, ए वाली लाइन को जिस पॉइंट पे कट कर रही है उसको क्या नाम दे दिया बेटा, एन, उसको नाम दे दिया एन। तो ये आपका क्वाड्रिलेटरल बन गया, पी एल ए एन, जो आपका ऊपर वाला पार्ट है बेशक रफ कर दो, अदरवाइज रहने दो। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया, क्वाड्रिलेटरल, पी एल ए एन। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कह रहा है, देखो बेटा, वी हैव टू ड्रॉ ए पैरेललोग्राम एच ई ए आर। ठीक है, अगर मैं पैरेललोग्राम की बात करूं तो बेटा 4 साइड्स होते हैं और उसके अपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल। ठीक है, उसके अपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल, मैंने नाम ले दिया एच ई ए आर। ठीक है, एच ई 5 सेंटीमीटर, ई ए 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर ये 5 है तो बेटा ये भी होगा 5, क्योंकि पैरेललोग्राम जो होता है उसके अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल। ये 6 है तो ये भी कितना बनेगा, 6। ठीक है, फिर उसने बोला एंगल आर इज इक्वल टू 85, ये 85 है तो ये भी कितना होगा बेटा, 85। ठीक है, अब देखो बेटा, अगर ये 85 है, ठीक है, ये वाला एंगल आपका क्या है, 85, तो H और E, ठीक है, अगर मैं बात करूं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या बना रहे हैं, को इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो मैं क्या लिख दूंगी, क्योंकि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, पैरेलल हैं और ये वाली लाइन ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या बनाएंगे, को इंटीरियर एंगल। सो एंगल R प्लस एंगल H इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल R 85 प्लस एंगल H इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल H इज इक्वल टू 180 माइनस 85। 10 में से 5 गया 5, 17 में से 8 गया, तो यहाँ बच गया आपका 9, 95। तो ये कितना आ गया बेटा, 95 डिग्री। ठीक है, तो आप बना सकते हो, ये 95 है तो ये भी कितना है बेटा, 95। ठीक है, तो देखो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यूज़ की, इससे ज़्यादा मैंने कुछ नहीं किया। देखो बेटा आप क्या करोगे, सबसे पहला काम आपने क्या करना है, जो दोनों में बड़ी साइड है वो ले लो, ई ए 6 सेंटीमीटर। ये देखो, ये मैंने ले लिया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ई ए 6 सेंटीमीटर, 95, और जो भी आपका दूसरा एंगल है 85, क्या आप उसको उससे बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ कंपास, कभी नहीं बनेगा। तो आपने क्या करना है बेटा, देखो एंगल ई कितने का बनाना है आपने, 85, तो 85 बना दो। वेट, तो बेटा सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ पे आपका ई ए विच इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। आप देखो बेटा यहाँ पे, देखो ई ए क्या कितना दिया हुआ है, ई पे आपको दिया हुआ है 85 डिग्री। तो आप सबसे पहले विद द हेल्प ऑफ डी, बिकॉज 85 आप कभी भी कैसे नहीं बना सकते विद द हेल्प ऑफ कंपास, तो सबसे पहले आप क्या बनाओगे, ई पे 85 बनाओगे विद द हेल्प ऑफ डी, सॉरी। ठीक है, तो देखो बेटा यहाँ से ये आपका पॉइंट ई, ई से 85, ठीक है, 85, 8 और
ये, ठीक है। तो ये बन गया बेटा आपका 85। इसको क्या कर दो जॉइन, तो ये बन जाएगा कुछ ऐसे, E इज इक्वल टू 85, ठीक है। तो E इज इक्वल टू 85। नेक्स्ट बेटा उसने बोला ए पे बनाना है आपने 95, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, इसको थोड़ा सा ठीक कर देते हैं। ये देखो बेटा, दिस इज योर 85 डिग्री, तो इसको जब मैं इसे ज्वाइन करूँगी तो ये बन गया आपका 85 डिग्री। अब क्या करना है बेटा, ए पे आपने क्या बनाना है, ए पे आपने क्या बनाना है 95 डिग्री, ठीक है। यहाँ से आप क्या बनाओगे 95 डिग्री। तो देखो बेटा कैसे बनेगा, विद द हेल्प ऑफ टी ए को सेंटर मान के आपने क्या बनाना है, सेम वे से 95, 90 से बड़ा, ठीक है, तो दूर की साइड, यानी कि यहाँ पे दिस इज़ योर 95, ठीक है। इसको क्या कर दो जॉइन, तो ये बन जाएगा बेटा आपका 95 डिग्री। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरी वन, ठीक है। ये ई बन गया आपका 85, ये बन गया आपका 95 डिग्री। फिर उसने बोला बेटा यहाँ पे देखो, क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में एच ई इज़ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, एच ई यानी कि ई से एच के लिए जो मार्क लगेगी वो कितने की लगेगी, 5 सेंटीमीटर। तो क्या करो बेटा, 5 सेंटीमीटर कंपास ओपन करो, ठीक है, ए पॉइंट को सेंटर मानो और आर्क लगा दो, ठीक है। ये वाला पॉइंट क्या होगा बेटा आपका एच। इन सेम वे एज यू नो वेरी वेल, जो आपका इसके अपोजिट साइड होगी वो भी क्या होगी, इक्वल लेंथ की, क्योंकि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या कहती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो इस वाली साइड के अपोजिट साइड होगी ये वाली, तो ए को सेंटर मान के अगेन आपने क्या कर देनी है, 5 सेंटीमीटर की आर्क लगा देनी है, ठीक है। इनको क्या कर दो ज्वाइन, इनको क्या कर दो ज्वाइन, ठीक है, इक्वल लेंथ पे आ गई। अब देखो बेटा ये 6 है तो ये भी कितनी है, 6 सेंटीमीटर, ये 5 है तो ये भी कितनी है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बेटा, दिस इज ई, ई से आपने किसके लिए लगाई थी आर्क, एच के लिए, ये आपका ए है तो ये आपका क्या हो जाएगा आर, ये 95 है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा 95, ये 85 है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा 85। तो इस तरीके से आपका पैरेललोग्राम एच ई ए आर रेडी है। अब आते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर इसी के अंदर पार्ट नंबर 4th। देखो बेटा पार्ट 4 में आपने क्या करना है, पार्ट 4 आपका क्या कह रहा है, वी हैव टू ड्रॉ अ रेक्टेंगल, हमने क्या बनाना है एक रेक्टेंगल। बेटा एज यू नो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या कहती है, कि रेक्टेंगल के जो अपोजिट साइड्स हैं वो क्या होती हैं, इक्वल। अगर मैं रफ फिगर ड्रॉ करूँ, अगर मैं रफ फिगर ड्रॉ करूँ, दिस इज़ अ रेक्टेंगल ओ के ए वाई, ठीक है, ओ के इज 7 सेंटीमीटर तो के ए भी 7 सेंटीमीटर होगा, के ए इज 5 तो ये भी कितना होगा बेटा, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ इट्स योर चॉइस, आप 7 नीचे लो और 5 ऊपर लो, इट्स योर चॉइस, टोटली अप टू यू, ठीक है। तो बेटा एक और प्रॉपर्टी कहती है रेक्टेंगल की, रेक्टेंगल की जो ये वाले एंगल होते हैं वो कितने होते हैं, 90 डिग्री, कितने होते हैं 90 डिग्री। तो देखो बेटा सबसे पहले मैं हमेशा नीचे जो बेस में लेके चलती हूँ, आपकी बेस में लेके चलती हूँ, दोनों में से जो बड़ी साइड है, बड़ी साइड कौन सी है बेटा, ओके, ओके ड्रॉ किया मैंने 7 सेंटीमीटर। देखो बेटा यहाँ से ओ से के 7 सेंटीमीटर, नाम क्या है ओ, ये के, दिस इज 7 सेंटीमीटर। मैंने बताया रेक्टेंगल की जो प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है बेटा, कि जो उसके सारे एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, तो ओ पे भी 90 डिग्री बना दो, के पे भी 90 डिग्री बना दो। 90 डिग्री कैसे बनाओगे, अपनी मर्जी से कंपास ओपन किया, ये आर्क, ठीक है, यहाँ से 60 के लिए, 60 से ये 90 के लिए, और ये वाली 120 के लिए, सेकंड आर्क इज़ फ्रॉम 120
जो कि इसको इंटरसेक्ट करेगी विथ सेम कंपास, ये हो जाएगा 90। सेम वे से मैं के पे बना रही हूँ बेटा, यहाँ से देखो फर्स्ट आर्क ये आपका बन गया 60, ये 90 के लिए, ये 120 के लिए, ठीक है, यहाँ से ये 90 के लिए, ठीक है। इसको एक बार दोबारा कर लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा हिल गया था, ठीक है। देखो बेटा, अपनी मर्जी से कंपास ओपन किया, कंपास ओपन करके के को सेंटर माना, आर्क लगा दी, ठीक है। अगेन ये 60, यहाँ से ये आपका लग गया 60, 60 से सेम कंपास आपने रखना है, कंपास को बार बार चेंज नहीं करना है। ये वाला सेंटर आपने लिया तो यहाँ से लग गई आपकी 60, 60 से ये पहली 90, और जो इस वाली आर्क पे लगेगी बेटा ये होगी 120, ठीक है। यहाँ से 120 से जो लगेगी दिस इज़ योर 90, इनको क्या कर दो जॉइन, ठीक है। ये से लाइन लगाओ, ठीक है, तो दिस इज़ योर कंप्लीट लाइन, ठीक है। इन सेम वे ओ से भी लाइन को कनेक्ट करो, तो ये बन गई आपकी दूसरी लाइन, ठीक है। अब देखो बेटा उसने क्या बोला, के से ओ से के लिए जो लग रही है 7 सेंटीमीटर लगा चुके हो, के से ए के लिए 5 सेंटीमीटर, तो अब आपने क्या करना है, 5 सेंटीमीटर कंपास ओपन करना है, ये पॉइंट को सेंटर मानना है और आर्क लगा देनी। इन सेम वे ओ को सेंटर मानना है, यहाँ पे आर्क लगा देनी है, दोनों को क्या कर देना है जॉइन, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ आर रेक्टेंगल आर इक्वल, इफ़ दिस इज़ 5 सेंटीमीटर तो ये भी कितनी होगी 5 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर है तो ये भी कितनी होगी 7 सेंटीमीटर। एज़ यू नो इफ दिस इज़ के से आपने किसके लिए आर्क लगाई थी, वाई के लिए, ठीक है, सॉरी ए के लिए, किसके लिए लगाई थी, ए के लिए, और ओ से आपने किसके लिए आर्क लगाई थी, वाई के लिए, तो ये बन गया आपका ओ के ए वाई रेक्टेंगल। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरी वन। तो ये थी आपकी कंप्लीट एक्सरसाइज 4.3। थैंक यू सो मच।